चलिए दोनों के पैसे बच गए कोर्ट के। आदिल ने वीडियो में अपने डैडी का नाम लिया है कि मेरे डैडी के पास कागजात कार्स हैं। आतिक भाई जो कोई है डीलर है आतिक भाई मैसूर से बैंगलोर से उनका भी नाम लिया। गाड़ियों का पूरा डिटेल वीडियो में है कि किसको किसको गाड़ियां दी हैं और किससे किससे वो गाड़ियां बेचकर वो पैसे लौटाए जाएंगे। वो तमाम स्टेटमेंट मीडिया के पास है, वो वीडियो रिकॉर्डिंग मीडिया के पास है। हम पहले भी एक थे लेकिन वो हो जाता है। हमने एक फिल्म साथ में की थी दिल बोले हड़िप्पा। और हाथ एक तरफ से नहीं दोनों तरफ से बढ़ा। मैं बताऊं पहल किसने की ये पूछी, पहल किसने की ये पूछी। मैं बताती हूँ 9 फरवरी की शाम को जब कॉल आया था राखी जी का, उन्होंने सबसे पहले कहा हाउ कैन यू कॉल आदिल योर ब्रदर, हाउ हाउ। तो मैंने कहा एक्सक्यूज मी, जब आप मेरे आरोपियों को बलात्कारियों को अपना भाई मान सकते हैं तो मैं क्यों ना मानूं। हाँ आपके परिवार को। और मुझे याद है 9 फरवरी को डेढ़ घंटे मेरे भी खराब हुए थे। मेरा सवाल आपसे है कि दोनों बैंक अब एक हो गए तो साजिद खान का क्या होगा? वो साजिद खान से पूछो, वो साजिद खान से पूछो। भाई साहब क्या अच्छा चल रहा है, मिलन चल रहा है, मिलने दो यार। साजिद खान के खिलाफ ऑलरेडी शर्ली ने केस किया हुआ है। इस संबंध में मैंने राखी जी से एक बात कही। मैंने कहा राखी मुझे आप साइड में रखो, ठीक है, मेरे जो इल्जाम है साजिद के खिलाफ वो भी साइड में रखो। मेरे अलावा ऐसी कई सारी महिलाएं हैं जिन्होंने उन पर यौन शोषण का आरोप लगाया, क्या वो तमाम महिलाएं झूठ बोल रही हैं? हाँ नहीं ना। तो इन्होंने बोला कि मुझे नहीं मालूम है शर्दन कि कितनी महिलाओं ने उनके खिलाफ ये इल्जाम लगाए हैं यौन शोषण के, यौन उत्पीड़न के, रेप के। तो मैंने कहा आप प्लीज पता लगाओ, आप जरा रिसर्च करो, आपको पता चल जाएगा कि शेदिन चोपड़ा वो इकलौती महिला नहीं है। She's right. तो मेरे ख्याल से आगे चलकर अगर ये उन्हें भाई मानना चाहेंगी तो ये उनका व्यक्तिगत निर्णय होगा। लेकिन नहीं नहीं शर्ली, भाई वो मेरे हैं बट मैं बीच में नहीं बोलना चाहूंगी आप लोगों के। जब आपका केस चल रहा है आप अपना केस चलाओ, आई वॉन्ट टॉक। मैं तुम्हारे खिलाफ कभी नहीं बोलूँ, मुझे नहीं आना है इन सब चीजों में। मतलब 100 खून माफ है। शर्लिन एक आखिरी सवाल फिर हम ये प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म करेंगे। जो केस आपने अब तक भाई ने भी पूछा आपने वापस लिया, एक बार आप लास्ट बार मीडिया के सामने बता दीजिए कि आप केस वापस ले लेंगे जो आपने राखी जी पे लगाया है, जो जिससे आरोप लगे हैं, क्या वो केस आप रिटर्न लेने वाले हैं? नहीं नहीं, निकाह की तरह कबूल है, कबूल है, कबूल है, तीन बार बुलाएंगे। तो इनकी शादी बोल दिया भाई, बोल दिया उन्होंने अभी इस चीज का खुलासा कर दिया है। चलिए एक बार बोल दीजिए, एक बार गले लगते। आपको पता चल जाएगा, अगली हियरिंग मेरे ख्याल से 8 मार्च को है, उस दिन पता चल जाएगा। और एक बार शर्लिन चोपड़ा ने जो बोल दिया फिर वो कभी भी नहीं सुनी, राइट? चलिए थैंक यू वेरी मच। भाई ये मेन फोटो हां खड़े हो के नहीं खड़े हो गए, बैठ के बैठ के बैठ के चलो चलो खाना खाओ। राखी दीदी बोलो, राखी दीदी दादा बोलने से आपकी उम्र छोटी हो जाएगी तो बोल दीजिए दादा। राखी जी, राखी जी, राखी जी।
चलो ले ले इसके फूल लाके दे दे यार। राजा भाई क्यों कर रहे हैं सर? चलो क्या बात है, क्या बात है? अरे ये सब पे 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 सब Happy birthday! Happy birthday! Thank you! Kiss me, dog! Thank you! No, thank you! Thank you! Thank you! अरे वो ठीक है, मेरे लाइट देखो तुम है, तू लाइट है ना? ले ले, अरे ट्रांसफर ले ना। ये क्या रहे हो बीच सेंटर में? अरे बंद हो गया रे ये टाइम पे। भाई ऊपर आता हूं यार, जल्दी बने। अरे इधर ही काटेंगे विशाल भाई। हाँ चक्कर रखा कौन उठा उसमें का? स्ट्रॉबेरी क्या मिलेगा? हाँ बीच में ले लो, छोड़ भाई वो बीच में लो टेबल। अरे वो आ गया, आ गया। ए यार रुको, क्या कर रहे हो? किच 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 यार वाला कैमरा का लोग लाइट को दे दो। अरे रुक जा, रुक जा, कैमरा मुझे, कैमरा मुझे दो। ले रहा तू प्रांत वाला ले रहा हूं। ओए तेरा साथ ना छोड़ेंगे। क्या बात है, क्या बात है? हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे। क्या बात है, तू वाला फ्लैश नीचे फ्लैश मार रहा है। नो शेरी, नो शेरी, टूटेगा तो इतने अभी टूटेगा। अरे रुक जा, नो शेरी, अरे पूछ मोबाइल ले किसका। क्या हो गया, नो शेरी, चलो चलो एक दो ले ले एक को। थैंक यू, चलो दो शेर नी साथ। वंस मोर राखी जी को एक बार खिलाइए। किस को किस, किस किस करो, किस इधर 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 इधर
अरे जल्दी करो जल्दी क्या बात है। एक गाना बस भाई मुझे।